राजधानी पटना में अपराधियों का खूनी खेल जारी है। एक बार फिर अपराधियों ने व्यवसायी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। पटना सिटी के चौक थाना इलाके के धर्मशाला गली में बेखौफ अपराधियों ने पिता पुत्र समेत तीन लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से पिता की मौत हो गई, वहीं दो लोग जख्मी हो गए जिनका इलाज पटना के PMCH में चल रहा है। मृतक की पहचान प्रमोद के रूप में हुई है। प्रमोद तिल के कारोबारी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। बाहर गेट पर आए हैं, उसके बाद उधर से गली से घुसा है, घुस करके चार पांच लड़का से तक गली में घुसा है। प्रमोद गया निकले, नौका बाद टपटप गोली चलाना शुरू कर दी। क्या गोली मारा है? गोली लगा हुआ होगा, पांच छह को इनका खाली गोली लगा हुआ है। किसको मारा? बेटा को भी। बेटा का भी गोलू के लगा हुआ है गोली। छोटू उनका मैनेजर जो है उसका भी गोली लगा हुआ है। सिटी जो है ना अपराधियों का घर बन गया। सिटी में जितने भी अपराधी हैं वो व्यवसायियों को सब टारगेट के रूप में देख लिए हैं। 1,000 करोड़ का टैक्स सालाना देने के बावजूद भी पटना सिटी का एक भी व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन गाजर मूली बकरी भेड़ की तरह आदमी को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन कोई इसकी खोज खबर करने वाला नहीं। बता दें कि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को शांत कराया, साथ ही आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। SP प्रमोद कुमार ने बताया कि हत्या किस वजह से हुई है यह अभी साफ नहीं हो पाया है। अपराधी किससे आए थे? अपराधी तो पैदल ही वहाँ पर जो बताया जा रहा है। कितने की संख्या थी उनकी? क्या वो बोल रहा है कि कोई बोल रहा है दो, कोई बोल रहा है कि 3 से 4 थे। तो वो लड़के थे, बोल रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर मालिक बाद में निकले पीछे से, इनसे कहा सुनी हो गई, इसके बाद उन्होंने गोली चला दी। उसको बख्शा नहीं जाएगा। देशवा न्यूज के लिए पटना सिटी से सुधांशु रंजन की रिपोर्ट।